दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैंने रिसेंटली काफ़ी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताया कि बी फार्मेसी के स्टूडेंट को गेट का एग्ज़ाम भी देना चाहिए। अगर आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारी IIT NIT में वहाँ के MTech और PhD कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और ये भी बताया कि कैसे आप डायरेक्ट CSIR में PhD में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर बी फार्मेसी। आज आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि गेट का जो एग्ज़ाम, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो नाइपर में एडमिशन के लिए एलिजिबल है? तो देखते हैं क्या ऐसा है या नहीं। तो गूगल में मैंने डाला है नाइपर एप्लीकेशन फॉर्म 2023। जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है नाइपर JEE 2023 में, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन इंटू वेरियस मास्टर PhD एंड इंटीग्रेटेड PG एंड PhD प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फॉर गेट, GPET और नेट और एनी अदर फेलोशिप आर प्रोविजनली एडमिटेड फॉर सबमिटेड देयर एप्लीकेशन। प्रोविजनली इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि अभी GPET का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर यह बात नोटिस करने की है कि गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए इन दियर मास्टर PhD और इंटीग्रेटेड PG PhD प्रोग्राम में। अब मैं थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ूंगा तो मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है, तो मास्टर प्रोग्राम का जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये ब्रोशर ओपन हो जाता है। जैसे ही इनके पेज नंबर 26 पर जाएंगे, पेज नंबर 26, तो आपको यहाँ पर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मैंशन है कि अगर कोई स्टूडेंट GPET, गेट या नेट क्वालिफाई करता है और उसके 60% मार्क्स हैं इन दियर बैचलर डिग्री या CGPA 6.75 से अबव है, तो वो एलिजिबल है यहाँ के मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ पर नोट में भी इन्होंने लिखा है GPET, गेट, नेट और एनी अदर नेशनल फेलोशिप इज इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग MBA विद एक्सेप्शन फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी। अगर कोई MBBS है, BAMS है, BDS है, हम सब जानते हैं, वो ना तो GPET का एग्ज़ाम देते हैं ना गेट का एग्ज़ाम देते हैं। तो इन सब को छोड़ के अगर कोई भी पर्सन है जिसको यहाँ पर M-Form या MBA फॉर्म में एडमिशन लेना है, तो उसको ये तीन में से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये है बेनिफिट गेट का एग्ज़ाम देने का। दोस्तों, मैंने नाइपर का एप्लीकेशन फॉर्म बहुत टाइम से नहीं देखा। अब ये आप ही मुझे बता सकते हैं, जिन्होंने नाइपर का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, क्या उसमें गेट की कोई कॉलम या सेक्शन बना हुआ था जहाँ पर ये पूछा हो कि गेट में कितने परसेंटाइल या स्कोर है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन मैंने इस वीडियो से आपको ये दिखाया कि कैसे अगर आप गेट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं और आपका अगर GPET एग्ज़ाम क्लियर नहीं है और अगर आपका गेट का एग्ज़ाम क्लियर है तो भी आप नाइपर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ए गेट एग्ज़ाम कि आप एक एग्ज़ाम दे के कितनी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हो, नाइपर के लिए, IIT के लिए, CSIR के लिए। तो क्यों हम एक ही एग्ज़ाम पर हमेशा डिपेंड रहते हैं? तो ज़रूर आप अब से गेट का एग्ज़ाम भी दीजिए और GPET का एग्ज़ाम भी दीजिए। गेट के एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी है स्कोर कार्ड पर वो 3 ईयर की है, GPET की लास्ट ईयर 2 ईयर थी, इस बार हमें पता नहीं कितनी वैलिडिटी होगी, लेकिन गेट की 3 साल थी, 3 साल है और आगे भी रहेगी। तो ये बेनिफिट है गेट के एग्ज़ाम का। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।